बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। रक्तांबरम रक्तस्यास्तनम हेम भूषितम। ये तो मात्र 107 पुष्प थे, मैंने तो 108 पुष्प चढ़ाने का संकल्प किया था। एक पुष्प कम कैसे रह गया? ये क्या कर दिया मैंने, एक पुष्प अधिक कैसे गिन लिया? प्रभु प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं पुनः जाता हूँ। पल भर में सूर्यास्त होने को है हनुमान। पुनः जाकर लौटने का समय शेष नहीं है। प्रभु, धिक्कार है मुझ पर, मेरी असफलता के कारण आपकी पूजा असफल हो रही है। नहीं हनुमान, तुम असफल नहीं हुए हो, तुम उचित संख्या में पुष्प लेकर आए थे। पूजा प्रारंभ करने के पूर्व स्वाभाविक रूप से ही मैंने उन्हें गिन लिया था, और उस समय संख्या सही थी। बड़ी विचित्र बात है कि अब एक कम है। संभवतः माता मेरी परीक्षा ले रही हैं। परंतु प्रभु, आपका संकल्प कैसे पूर्ण होगा? देवी, एक बार विष्णु जी ने इसी प्रकार मुझे कमल समर्पित किए थे, परंतु जब एक कम पड़ गया तो वो मुझे अपना कमल नयन समर्पित करने के लिए भी प्रस्तुत हो गए। वो पुनः ऐसा ही कर सकते हैं, यद्यपि श्री राम स्वयं को नारायण अवतार नहीं अपितु साधारण नर ही मानते हैं। इसलिए ये देखना होगा कि क्या नर रूप में भी प्रभु श्री राम वही संस्कार धारण करते हैं या नहीं। संकल्प तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैंने अनेकों बार सुना है कि मेरे नेत्र नील कमल के समान है। देवी सीता तो मुझे कमल नयन नाम से संबोधित भी करती हैं। मैं अपना नेत्र माता को समर्पित कर उस एक नील कमल की कमी पूरी कर दूंगा। और अपनी पूजा संपन्न करूंगा। नहीं प्रभु, नहीं। माता ने ली परीक्षा भाई,
सफल हुए जिसमें रघुराई। सपरिवार प्रकट जग जननी, हर्षित राम व श्री बजरंगी। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। हे भोले बाबा, हे माता, हे कार्तिके, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। कल्याण हो। मैंने आपकी परीक्षा के लिए ही अंतिम पुष्प यहां से हटा लिया था, परंतु ये देखकर मैं अति आनंदित हूं कि पहले हनुमान और फिर आप दोनों ही इस परीक्षा में सफल हुए। हनुमान ने इस परीक्षा के माध्यम से पुनः प्रमाणित कर दिया कि वे एक सच्चे निष्ठावान समर्पित भक्त हैं। और अब आपने भी स्पष्ट प्रमाण दे दिया है कि आप सदैव अपने वचन का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर अपना नेत्र भी भेंट करने से चूकेंगे नहीं। माता, मैं तो मात्र अपना संकल्प पूर्ण कर रहा था। श्री राम, आपने ये भी सिखा दिया कि आप में श्री विष्णु जी का ही संस्कार है, क्योंकि नारायण रूप में भी आपने अपना नेत्र अर्पित कर दिया था। प्रभु, ज्ञात नहीं, आप मुझे प्रभु नारायण के नाम से संबोधित क्यों कर रहे हैं? मैं तो स्वयं को मात्र सामान्य एक नर ही मानता हूं। यही आपके श्री राम अवतार की मर्यादा है कि आप नर रूप में अपनी लीला कर पूर्ण तत्परता से अधर्म का सामना कर रहे हैं। और मैं आपको अधर्म के विरुद्ध आपके इस धर्म युद्ध में अधर्मी रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीष देती हूँ। विजयी भव। सफल भव। सत्य है, भक्ति से अद्भुत शक्ति का संचार होता है, परंतु वो शक्ति की शुभता भक्त की प्रवृत्ति निर्धारित करती है। एक ओर आप हैं जो अपनी भक्ति से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहते हैं, और दूसरी ओर है रावण, जो अधर्म हेतु निषिद्ध पूजा में लीन है। परंतु जो भक्त धर्म का साथ देगा, मेरी शक्ति उसी का साथ देगी। आपको आशीष है मेरा, इस युद्ध में विजय आप ही प्राप्त करेंगे। प्राप्त करेंगे। परंतु माता का आशीष तो रावण भी अपनी निषिद्ध पूजा से प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। यदि वो भी माता को विवश करने में सफल हो गया तो क्यों पवन पुत्र हनुमान? ठीक ही कह रहा हूँ ना मैं? ये तो परिचित स्वर है, किसने कहा? ये सामने आइए। जिससे सब प्रारंभ होता है वही हूँ मैं।
और आप वो हो हनुमान जिससे सब पूर्ण होता है। प्रणाम श्री गणेश। मैं तो विचार ही कर रहा था कि भोले बाबा का संपूर्ण परिवार यहाँ है, तो अभी तक हमें आपके दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हुए? मैं दर्शन दूं या नहीं, परंतु मैं तो अपने माता पिता के साथ यही विराजमान था, किंतु आपको पुनः यात्रा करनी होगी हनुमान। वहाँ जाना होगा जहाँ रावण अपनी निषिद्ध पूजा कर रहा है, और अर्धरात्रि के पूर्व ही उसके अनुष्ठान को भंग करना होगा, अन्यथा रावण पुनः अपना अवैधिक जाप पूर्ण कर माता को विवश कर लेगा। परंतु हे गणपति, किसी की पूजा रोकना क्या ये अधर्म नहीं होगा? विघ्नहर्ता मैं हूँ तो विघ्नकर्ता भी तो मैं ही हूँ, और रावण के इस कार्य में विघ्न डालना अति आवश्यक और पूर्णतः उचित है, क्योंकि अधर्म को रोकना अधर्म कदापि नहीं होता, अपितु ऐसी निषिद्ध पूजा जो माता को विवश कर दे उसे रोकना ही धर्म है। इसीलिए हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हनुमान को जाकर अधर्म की शक्ति में वृद्धि होने से रोकने की अनुमति दीजिए, अन्यथा वो अन्यायी माता का साथ पाकर अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। हे गौरी नंदन, महादेव सुत, गजमुख गजानन, ज्ञान मूर्ति हैं आप। आप पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है मुझे। यदि आपके अनुसार इसमें कोई अधर्म नहीं है तो मैं हनुमान को अनुमति देता हूँ। वो शीघ्र जाकर रावण को रोकने के लिए हर संभव यत्न करें। प्रभु, मुझ पर आपने विश्वास कर उस राक्षस को रोकने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए आपका धन्यवाद। मैं विश्वास दिलाता हूँ वो अपने निषिद्ध पूजा पूर्ण कर माता को विवश नहीं कर सकेगा। विजय भव। श्री राम। जय कपी सती गुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती गुलोक उजागर। अब जब हनुमान अपने ध्येय से क्रियाशील हुए हैं तो रावण अपनी पूजा कभी समाप्त नहीं कर पाएगा। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध पूर्ण रूप से न्यायोचित होगा। मैं हनुमान को आशीष देती हूँ कि वो सफल हो और धर्म के इस युद्ध में अंततः आपकी ही विजय हो। श्री राम, आप सबका शुभाशीष पाकर कृतार्थ हुआ मैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस युद्ध में अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा मैं। विजय भव। विजय भव। विजय भव। रक्तांबरम रक्तसिंहासनम हेमभूषितम् एकवक्तां वेद संकर्मुजे सभाति क्रमातः अक्षिमालां पानमालां भयवरमुत्तमम् श्वेतदभि वैस्थता। रक्तांबरम रक्तसिंहासनम हेमभूषितम् विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रयी गुणामयी देव ध्यायेत स्थिति ध्यानमिदम् सृष्टि स्थिति विनाशनम। आश्चर्य, अपने प्रचंड अवैधिक मंत्र जाप से लंकेश प्रतिकूल हो चुकी शक्तियों को पुनः अनुकूल बनाने में सफल हो रहे हैं। और समीप जाकर देखता हूँ ये चमत्कार। प्रतीत होता है दुष्ट रावण की पूजा संपन्न होने ही वाली है, मुझे उसे शीघ्र रोकना होगा।
इस बार उस दुष्ट रावण की पराजय निश्चित है, क्योंकि माता सहित भोले बाबा के संपूर्ण परिवार का आशीष प्रभु श्री राम को मिल चुका है और हनुमान भी उस दुष्ट रावण को विफल करके शीघ्र ही लौटते होंगे। परंतु भ्राता रावण को विफल करना इतना सरल नहीं होगा। उन्होंने अपने पूजा स्थल को महाशक्तिशाली कीलन मंत्रों से सुरक्षित कर लिया होगा। ऐसी अभेद सुरक्षा को भेद कर वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भ्राता रावण का कोई अपना निकटतम संबंधी भी नहीं। रक्तांबरम प्रतीत होता है रावण ने अपने पूजा स्थल के चारों ओर अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा चक्र का निर्माण किया है। महाराज विभीषण, क्या रावण का सुरक्षा चक्र हनुमान को भी रोक सकता है? हाँ, मंत्र से रचित सुरक्षा चक्र अभेद तो होता ही है, उसे खंडित करना भी असंभव होता है। रक्तांबरम रक्तस्यास्तनम् एभूषिताम् एकवक्ताम् वेद संकर्भुजे सद्भाति क्रमातः अक्षिमालाम् पाणिमालाम्। इस पारदर्शी सुरक्षा चक्र का तो कोई ओर छोर कोई अंत ही नहीं दिखाई देता। ये तो वास्तव में अभेद्य ही प्रतीत हो रहा है। इस राक्षस के अवैदिक मंत्रों का जाप इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का संचार कर रहा है। इस प्रकार तो ये शीघ्र ही माता को भी वश में कर लेगा। मुझे इस सुरक्षा चक्र को भेद कर उस पार जाने का उपाय करना ही होगा। अवैधित मंत्रों द्वारा उत्कीलित स्थल पर कोई भी प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे इसी क्षण इसे रोकना होगा। एक बार पूजा भंग हुई तो पुनः ये पूजा नहीं कर पाएगा। आश्चर्य, विफल हो गया मेरा गदा प्रहार और अब ये मेरी ओर ही। रक्तांबरम रक्तस्यास्तनम् एभूषिताम् एकवक्ताम्। रावण ने तो मंत्रों से अपने आप को भी सुरक्षित किया हुआ है। इस प्रकार तो ये जाप पूर्ण करके माता को विवश करने में सफल हो जाएगा। इसका जाप भंग करने के लिए मुझे शीघ्र ही कुछ और करना होगा, किंतु मैं क्या करूं? कोई उपाय तो मुझे ढूंढना ही होगा। सत ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई अन्य जीवधारी प्रवेश कर ही नहीं सकता, और यदि कोई ऐसा करेगा तो उसका विनाश निश्चित है।
भ्राता रावण को रोकना आवश्यक तो है, किंतु शक्तिशाली कीलन मंत्रों से रक्षित क्षेत्र में हनुमान कैसे प्रवेश कर पाएंगे? वो गंभीर रूप से आहत भी हो सकते हैं। हनुमान को उस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण ही सभी संकटों को दूर कर देता है। उन्हीं का नाम लेकर रावण के सुरक्षा चक्र में भी प्रवेश करूंगा मैं। रक्तांबरम रक्त जय श्री राम। कोई तो उपाय होगा इसे रोकने का। इसके दसों शीश के बीसों नेत्र एक साथ पुस्तक के मंत्रों पर टिके हुए हैं और जो जो अक्षर ये पढ़ रहा है उसी पर चमक आती है। अब परिणाम कुछ भी हो किंतु ये ज्ञात करना ही होगा कि इसका ध्यान पूर्णतया इन मंत्र के अक्षरों पर ही है या इसका ध्यान यहाँ से हटता है। आश्चर्य है, इस मंत्र के लिए परिधि में एक वक्ताम वेद, फिर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हनुमान सत ब्राह्मण ही प्रपौत्र है देव गुरु बृहस्पति के। रावण कीलन मंत्रों से उस क्षेत्र को रक्षित करते समय ये भूल गया कि हनुमान वानर तो है किंतु देवगुरु बृहस्पति के कुल में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण भी है। यही नहीं, अपने सत्कर्म सदाचरण और अपने उत्कृष्ट ज्ञान के कारण, धर्म पालन के कारण एवं श्री राम के प्रति अपनी श्रेष्ठम भक्ति के कारण हनुमान ब्राह्मणत्व से परिपूर्ण है। क्योंकि सत्कर्म सदाचरण उत्कृष्ट ज्ञान धर्म पालन एवं श्रेष्ठ भक्ति ही सच्चे ब्राह्मण की पहचान है। रक्तांबरम रक्तस्यास्तनम् एम भूषिताम्। ये प्रभु श्री राम के नाम का ही प्रताप है जो कीलन मंत्रों से सुरक्षित क्षेत्र में भी प्रवेश कर पाया मैं। बस अब प्रभु की भक्ति के प्रताप से ही इस राक्षस की ये पूजा भंग करनी है, अन्यथा ये हठी राक्षस धर्म युद्ध में अधर्म का साथ देने के लिए देवी माता को अवश्य विवश कर देगा। अक्षमाला पान पालाम भय पर मोतम श्वेत दबि स्थिता रक्तांबरा रक्त सिंहासनम् भूषिताम् एक वक्ता वेद संख्य भुजे सविभाति क्रमातः एक वक्ता वेद संख्य भुजे सविभाति क्रमातः। इस राक्षस के निषिद्ध मंत्रों का हर एक जाप माता को विवश कर रहा होगा एक वक्ता वेद इस दुष्ट का साथ देने के लिए। रक्तांबरम रक्तस्यास्तनम् एम् भूषिताम् एक वक्ता वेद अक्षमाला पान पालम है वर उत्तमम्।
रावण महाहठी है, अपनी मंत्र शक्ति से पुनः विवश कर रहा है मुझे ये। रक्ताम्बरम रक्ताक्षनम हे भूषिताम। हनुमान ने रावण के मंत्र जाप को भंग नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान बल एवं बुद्धि में अतुलित है, शीघ्र ही उन्हें कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। इसने मुझे नहीं देखा। इसका ध्यान पूर्णतया मंत्रों की पुस्तक पर ही है। इसका अर्थ है कि ये मंत्रों के एक भी अक्षर में त्रुटि करना नहीं चाहता, अन्यथा मंत्र असफल हो जाएगा। रक्ताम्बरम रक्तस्थास्नम हेम भूषिताम। समझ गया कि क्या करना है मुझे। रक्ताम्बरम रक्तस्थास्नम हेम भूषिताम। एक वक्ताम वेद संस्थिर भुजे सब भाति अक्षिमालाम पानपालाम है वर मुत्तमम। रावण की निषिद्ध पूजा संपन्न होने में कुछ ही मंत्र शेष है। यदि ये भी पूर्ण हो गए तो युद्ध समाप्त होने तक देवी तारा को विवश होकर रावण का साथ देना ही होगा। रक्ताम्बरम रक्तस्थास्नम हेम भूषिताम। एक वक्ताम वेद संख्यर भुजे सब भाति कृपाताम। रावण वाम पृष्ठ का मंत्र पढ़ रहा है, दाहिने पृष्ठ पर इसका ध्यान नहीं है अभी। यहाँ के अक्षर को मिटा देता हूँ, मंत्र पूरा ही नहीं हो पाएगा। ना जाने हनुमान भ्राता रावण के मंत्र जाप को विफल कर पाएंगे भी या नहीं। रक्ताम्बरम रक्तस्थास्नम हेम भूषिताम। एक वक्ताम वेद संख्यर भुजे सब भाति। मैंने अंतिम मंत्र के अक्षर को मिटा तो दिया है, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण को मंत्र स्मरण हो। रक्ताम्बरम रक्तस्थास्नम हेम भूषिताम। यदि ऐसा हुआ तो रावण के 1,25,00,000 जाप पूर्ण होने को है। अंतिम मंत्र पूर्ण होते ही विधि के विधान के अनुसार मुझे उसका इच्छित वर देना ही होगा। हास्नथा हेम भूषिताम। रक्ताम्बरम रक्तस्थास्नम। ये सब भाति कृपातः अक्षिमालाम पानपालाम है वर उत्तमम वेद दवि वैस्थता। अकस्मात ही क्या होने लगा, कहीं मुझसे कोई त्रुटि हो गई है क्या। नारायण नारायण, त्रुटि तो हो गई है रावण। अपूर्ण मंत्र जाप को बार बार दोहराने से अशुद्ध हो गया है मंत्र। हनुमान की युक्ति सफल हो गई है। असंभव है ये, मुझसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती। मैं अब भी मंत्र जाप पूर्ण कर लूंगा। देवा
ये क्या कर रही हैं आप? मुझसे कोई त्रुटि हुई है क्या माता? हाँ, त्रुटि तुमसे हुई है महाज्ञानी रावण। मंत्र के एक अक्षर की त्रुटि जो तुमसे छूट गया। मंत्र के हर एक अक्षर में अनेक महाशक्तियां छुपी होती हैं, जिनके एक भी अक्षर की अनुपस्थिति मंत्र को अशुद्ध ही नहीं अनर्थकारी भी बना देती है। ये कैसे हो सकता है माता? मैं तो पूर्ण एकाग्रता के साथ आपके मंत्र का जाप कर रहा था माता। ये वानर यहां अवश्य ही इसी ने उस एक अक्षर की अनुपस्थिति से मंत्र का उच्चारण सहस्त्रों बार अशुद्ध हुआ है। खंडित हो चुकी है तुम्हारी पूजा। अब तुम्हें मेरी कृपा नहीं, मेरा कोप भोगना होगा। शाप मिलेगा तुम्हें। नहीं माता, नहीं, ऐसा मत कीजिए। भक्त हूं मैं आपका माता। भक्ति धर्म के लिए की जाती है, अधर्म के लिए नहीं। अब अंत होगा तुम्हारे पाप के साम्राज्य का, अंत होगा अधर्म का, अंत होगा तुम्हारा रावण। कर्मों का परिणाम सबको भोगना पड़ता है, तुम भी भोगोगे अपने पाप कर्मों का दंड। लंकेश रावण, श्लोक विजेता, सर्वशक्तिमान हूं मैं। और सर्वशक्तिमान के लिए पाप और पुण्य की कोई भी परिभाषा नहीं होते। बलवान का किया हुआ हर कार्य उचित होता है। देवता तक भयभीत रहते हैं मुझसे। कालू मैं अपने शत्रुओं का। महादेव और ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। मृत्यु तक भयभीत रहती है मुझसे। फिर कौन देगा दंड मुझे? कौन है? कौन नहीं? किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं। माता, आपकी भी कृपा नहीं चाहिए मुझे। एकाकी युद्ध करूंगा मैं उस वनवासी से, और अंत उसका होगा मेरा नहीं। बस करूंगा उसका मेरे इन्हीं हाथों से।
तुम्हारे क्रोध में छुपे हुए तुम्हारी लाचारी के स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं मुझे। प्रतीत होता है कि स्वामी की पूजा असफल हो गई, अर्धांगिनी हूं उनकी मैं। इस बुरे समय में उन्हें प्रसन्न करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, जिससे उनका दुख उनका शोक कुछ क्षणों के लिए शांत हो सके। अंतिम समय में संभावित दुख से पूर्व कुछ क्षण सुख के प्रदान कर सकी तो स्वयं को धन्य समझूंगी मैं। ये रक्त की वर्षा अशुभ संकेत, अशुभ को शुभ में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है यह रावण। अवैदिक पूजा खंडिता, लौटे हनुमत चेत मुदिता, सेना हरस हरस अभिनंदन, स्मित मुख देखे रघुनंदन। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आपके प्रताप से मैं रावण के अनुष्ठान उसकी निषिद्ध पूजा को खंडित करने में सफल रहा। रावण के अनुष्ठान की विफलता की गूंज तो संपूर्ण लंका में गूंज रही है हनुमान। प्रभु, फिर भी रावण का घमंड नहीं टूटा, अपने पग पीछे नहीं लेने वाला वो, अभी भी शक्ति के मध में चूर है रावण। यही अहंकार उसका परिचय है और यही वृत्ति उसे उसके अंत तक ले जाएगी। यदि मंदोदरी को अपनी विफलता के बारे में बता दिया तो पुनः उल्हाना देने लगेगी, वो पुनः प्रवचन आरंभ कर देगी। ये पुष्प सज्जित मार्ग मेरे स्वागत के लिए। मेरे स्वामी की ये दशा, प्रणाम स्वामी। आइए स्वामी।
इस प्रकार क्या देख रहे हैं? उस कठोर निश्चित पूजा से क्लांत मेरे स्वामी को सुख पहुंचाने के लिए है ये सब। परंतु मैं पूजा में सफल नहीं हो पाया मंदोदरी। मैं माता को प्रसन्न नहीं कर पाया। माता की सहायता के बिना कल का युद्ध इनके लिए घातक हो सकता है, इसीलिए एक पतिव्रता नारी के रूप में अब मुझे शेष बचे प्रत्येक क्षण को इनके लिए सुखदायी बनाना है, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। वानर वीरो, कल का दिवस उस दुष्ट रावण की पराजय और प्रभु श्री राम की विजय का दिवस होगा, क्योंकि वो दुष्ट रावण प्रभु श्री राम के समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाएगा। आहा, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। साथियों, कभी भी शत्रु को दुर्बल नहीं समझना चाहिए। कहते हैं मृत्यु को सम्मुख देखकर मूषक भी सिंह पर आक्रमण कर देता है, आहत कर देता है सिंह को, और फिर भ्राता लंकेश तो महाबलशाली है, वो पूर्ण रूप से सज्जित होकर ही उतरेंगे रणभूमि में, विजय के लिए अपनी पूर्ण शक्ति लगा देंगे वो युद्ध में। जो पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध ना करे वो योद्धा ही क्या। किंतु अब रावण को उसके पापों का दंड देने का समय आ गया है। अहंकार में व्यक्ति ईश्वर के संकेत की भी उपेक्षा कर देता है, जो उसके लिए अशुभ हो सकता है।